चलो धंधे की बात करते हैं, बिजनेस, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आउट ऑफ दैट द फर्स्ट एक्टिविटी वॉज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. तो आखिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती कैसी है, चलती कैसी है, इसके फीचर्स क्या है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट इज द बेटर वन. द कंपैरिजन ऑफ द थ्री इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट. एम्प्लॉयमेंट में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? फिक्स्ड इनकम, पैसा फिक्स मिलेगा. दूसरा फायदा, आजकल गवर्नमेंट में नो, गॉन आर द डेज व्हेन यू हैव द जॉब सिक्योरिटी, राइट? पर छुट्टी के भी पैसे मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. दुकान तुम दो दिन बंद कर दो, दो दिन के गिरेक गए, तीसरे दिन गिरेक आके बोलता है तुम्हारी दुकान तो हमेशा बंद रहती है. सीरियसली, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. थर्ड बेनिफिट, यू हैव द फिक्स टाइम. तुम्हारा एक फिक्स टाइम होता है, सुबह 10 बजे आना है, रात को 9 बजे तक काम करना है, शाम को 6 बजे तक काम करना है, शाम को 7 बजे तक काम करना है, डिपेंडिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. अब जैसे हमारे काका है, 12 बजे आते हैं, 8 बजे तक का ड्यूटी है, या फिर सुबह 7 बजे आने वाला बंदा, उसका शाम को 6 बजे तक का ड्यूटी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्टिविटीज, टाइमिंग फिक्स है. चौथा, पैसा नहीं लगाना है, जो भी है मिलने वाला है, लगाना कुछ नहीं है, लगाना क्या है, समय. और उसके बाद यू हैव द काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड. जैसा आपका एम्प्लॉयर कह रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आपने ठीक से अप्लाई करना है. दैट इज व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट. उस पर वापस आएंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफली पहले डिस्कस कर ले रहा हूं, फिर डिटेल में जाएंगे हम लोग टेक्स्ट के थ्रू. प्रोफेशन, व्हाट इज अ प्रोफेशन? इफ यू आर हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल सेट्स इनटू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड यू आर परफॉर्मिंग योर एक्टिविटीज अंडर दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशन. मतलब क्या? पढ़ोगे लिखोगे तो ही बनोगे नवाब, और अगर इस समय पे खेलोगे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग. इफ यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. जब प्रोफेशन की बात आती है, मी इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मैंने लोगों को कंसल्टेंसी देनी है, मैंने लोगों के रिटर्न्स फाइल करवा के देने, मैंने लोगों के ऑडिट रिपोर्ट्स को साइन करवाना है. इफ दैट इज द केस, आई नीड टू बी अ सीए फर्स्ट. विदाउट दैट आई कैन नॉट परफॉर्म दैट एक्टिविटी, आई नीड टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट. अगर सपोज कहीं किसी बंदे की कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो उसके लिए मुझे पहले उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर बनना चाहिए लॉजिकली. आजकल की बात, गूगल देवता भी गोलियां बता देता है, राइट? पर अगर किसी के चीरफाड़ करने की सिचुएशन आती है, वो गूगल नहीं बताता है, राइट? जस्ट इमेजिन दैट इज अ सिचुएशन. आजकल के जिस तरह के डॉक्टर बन रहे हैं ना, मेरे को डर लगता है इनसे मिलने को. तुमको पता है डॉक्टर्स को सेकंड ईयर में एटीकेटी होती है. एटीकेटी मतलब क्या? अलाउड टू कीप टर्म. कि अगर आप पिछली एग्जाम के कोई पेपर फेल हो गए हो, एक पर्टिकुलर नंबर तक के होता है वो, दो या तीन पेपर होते हैं, फेल हो गए तो भी अगले साल जाओगे आप, अगले ईयर में बढ़ोगे, और जो पिछले ईयर वाले पेपर है वो अगले ईयर में आप क्लियर कर सकते हो अगले ईयर के साथ. मतलब थर्ड ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर के पेपर साथ में पास कर रहा है बंदा, ऐसे लोग डॉक्टर बन रहे हैं. सोचो सीरियसली. और कुछ लोग तो आजकल सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के पास हो रहे हैं. जस्ट इमेजिन कोई बंदा ऐसे सच में डॉक्टर बन गया, सर्जन भी बन गया, और हम कोइंसिडेंटली उसके पास पहुंचे, एंड वी डोंट नो अबाउट दिस बैकग्राउंड. अब हम लोग उसके उसने कहा कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुमने मान ली बात, अब हम ऑपरेशन थिएटर में पड़े हैं.
उसने ऑलरेडी एनेस्थीसिया लगा दिया है, मतलब हमें शुद्ध है पर हम बेशुद्ध है, और ये बंदे ने अपने आईपैड पे ऊपर लगा दिया वीडियो, नेटफ्लिक्स वाला नहीं, ऑपरेशन कैसे करते हैं उसका वीडियो, अब हाँ यूट्यूब पे। अब यूट्यूब लगाने के बाद में इस बंदे ने जैसे लगाया प्ले, उसमें कहा पहले वो पेट क्लीन करिए, बंदे ने उठाया कुछ कपास विपास पेट क्लीन किया, उसमें बोला आप पेट काटिए, वो बंदे ने उनका जो पेन होता है ना वो नाइफ वाला, उससे पेट कट किया, और फिर वो आईपैड की बैटरी डिस्चार्ज। नाउ जस्ट इमेजिन ये बंदा परेशान, क्या ढूंढूं। सो वेल ऐसे बंदे डॉक्टर बन रहे, सोचो डर लगता है। सर अब तो मतलब सर सच में अगर सब सच में कंजेक्टिवाइटिस भी हो गया ना तो भी दिखाने नहीं जाना है मैंने। हाँ मतलब वो कंजेक्टिवाइटिस देखते देखते बंदे ने आंख निकाल ली तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता है, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। इनको सिखाया जाता है आखिर चीरफाड़ कैसे किया जाए, सो डोंट वरी, प्रैक्टिकल भी होते हैं इनके। हाँ वहां यूट्यूब नहीं चलता है, वहां रियलिटी। हाँ सिर्फ कट जस्ट इमेजिन अगर सच में तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम पड़े हो और तुम्हारा पेट कट करके बंदा ढूंढ रहा है क्या ढूंढू। वेल ऑल सेड एंड डन, मतलब ये है कि अगर आपको ऑपरेशन करना है, इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी यू नीड टू बी हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट फर्स्ट, एंड दैट इज वॉट वी कॉल एज अ प्रोफेशन। So when you need to have that required qualification, when you need to have the practice of that, when you want to practice into it, only then you will be called as a professional. Like if you would call me, what is my profession? My profession is teaching now. But I am able to teach based on my learning and understanding about the subjects or not. Randomly, I cannot come and नहीं आज से मैं उसे पढ़ाना चालू कर देगा। I cannot do something like that unless and until I am having the knowledge about that subject. Similarly, there can be another thing, investment बहुत कम लगता है comparatively to शुरुआत में, पर अगर डॉक्टर जैसा profession होगा तो heavy investment required. Then there is no limitation of income. There is no restriction on इनकम। वही अगर डॉक्टर का कंपैरिजन अगर सीए कोर्स से किया जाए ना, उनके पास एटी केटी, हमारे पास एक सब्जेक्ट फेल चारों सब्जेक्ट वापस, कम अगेन सीए, सीरियसली लाइक दैट। मतलब फाउंडेशन में कोई बंदा अकाउंट्स में फेल हो गया, लॉ में फेल हो गया, इकोनॉमिक्स में फेल हो गया, मैथ्स में फेल हो गया, एक सब्जेक्ट में फेल है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम बैक एंड राइट ओनली दैट पेपर इन विच ही हैज फेल्ड, ही हैज टू कम अगेन टू राइट ऑल द पेपर्स अगेन अगेन, दैट इज द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। एंड सबसे बड़ी बात, बाकी कोर्सेज में नॉर्मली क्या होता है, आपने पेपर पास किया पास, सब्जेक्ट वाइज पासिंग होती है सिर्फ, यहां पासिंग भी ड्यूअल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी पास करो और एग्रीगेट भी पास करो। मतलब ये कि किसी बंदा, कोई बंदा एकदम परफेक्शनिस्ट है, 45 45 45 45, अरे बिजनेस ना पिछली बार बताया था ना मैंने, जिसका बजेगा उसकी बजेगी। वैसे भी मैं ढूंढ रहा था कोई परफॉर्म करने वाला बंदा होना चाहिए, तो वी हैव द परफॉर्मर फॉर द डे, नाम क्या तेरा? अनन्या, अनन्या विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर अस टुडे। हाँ बाद में रुको रुको, दिल थाम के बैठो। हाँ तो तू जब तक रियाज कर ले मनी मन में, तो कहानी ये है कि प्रोफेशन के केस में क्वालिफिकेशन की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द इन्वेस्टमेंट्स। नंबर थ्री, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इनकम, रिस्क इज इन्वॉल्व्ड ऑलवेज, राइट। पर वहीं अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। If you want to carry out a business, you need not be qualified for doing that business.
पर बहुत लगता है, गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, हेवी रिस्क इज देयर. व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ कस्टमर नॉट कमिंग टू योर बिजनेस. देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, व्हाट वी कॉल एज द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. साथ ही साथ प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग दैट रिस्क. You get the profit on selling of goods, on supply of services. Nowadays, it is not the case. Only on supply of goods you are doing the business. Baki bhi hote hain businesses, service oriented. Ekatvam, carrying out the education business. We are imparting education, against that you are paying the money to us. So for us, it is no more a profession. It has become a kind of business. Or today's hospitals, they are also carrying out the businesses only. Kyon? एक बंदे के दिमाग में आइडिया आती है, मैं हॉस्पिटल खोलेगा. बंदा हॉस्पिटल बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, सब कुछ करता है, उसके बाद में 25 डॉक्टर हायर करता है, इधर से पेशेंट्स को खींच के आता है. एंड व्हाट दे आर कैरिंग आउट? बिजनेस. व्हाट अमेज़न इज डूइंग, सॉरी अमेज़न इज डूइंग, सॉरी वो क्या है, गांव से आया हूं ना, ऐसा होता है. ठीक है, व्हाट अमेज़न इज डूइंग? बिजनेस. आर दे सेलिंग द गुड्स? नो, नॉट इवन वन प्रोडक्ट ऑन द होल एक्टिविटी सोल्ड बाय अमेज़न एक्सेप्टिंग अमेज़न प्राइम. द ओनली प्रोडक्ट दैट दे सेल इज अमेज़न प्राइम, बाकी उनका घर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है. व्हाट दे हैव डन? देर आर हंड्रेड ऑफ प्रोड्यूसर्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स. They have brought hundred of customers here. They have told thousands of hundred of producers here, and they have told thousands of customers. हमारे पास product है, तुमको कुछ भी चाहिए, घर की दुकान, अपनी दुकान. और जैसे इधर से order है, ये order. That is how they are doing it. वो एक ad थी, what was that? समोसे की ad थी, मस्त वाली. एक मिनट ना, बड़ी ad थी. What Amazon is doing? Literal. This thing of the expression of that. क्या सर्च करना चाहिए? समोसा ऐड. समोसा ऐड, समोसा बनाने की रेसिपी. हाँ, समोसा ऐड, यही चीज थी वो, समोसा ऐड इन फाइव स्टार होटल. जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज व्हाट अमेज़न इज एक्चुअली डूइंग. ये देखो, ऐड में भी ऐड दिखा रहे हैं लोग. कमाल करता है यार यूट्यूब भी ना, कहाँ पैसे वसूल करेगा. मैं वही कर रहा हूं, मैं रुको, आवाज आती कैसे वो देखने दो मेरे को पहले. ए पोज, आवाज तो फुल है मेरे ख्याल से. तो आवाज के बगैर मजा ही नहीं आएगा. एक एक है ना, एक काम करते हैं, अब आवाज भी लाता हूं मैं, रुको. आवाज इधर से आएगी. जुगाड़ है ना, हमारे देश का ये रूल है, जहां काम नहीं बने वहां जुगाड़ लेके आओ. समोसा ऐड,
would like to try this delicately crisp fried wrap with the rare savariya. Savory, sir. Savory filling. Why, excellent choice, sir. May I suggest something excellent to go with it, like an organic tamarind sauce? Okay. I'll be back in a jiffy, okay? There you go, sir. Thank you. ये तो too good है. Yes, sir. Sir, आपके chef से एक बार मिलवा दीजिए, sir. This is what Amazon is doing. This is what you call as business. Innovation. You need to sell what the customer wants, or you create the demand of what you want to sell. Alright. So, let's come on to the business. The business represents. Haji. क्या होता है ना कंसेप्ट को अगर कंसेप्ट के तौर पे सीखो ना. हेलो 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 माइक चेक 1 2 3. लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. द वेरी फर्स्ट पार्ट इन दैट, नाउ आई नीड द गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन. आई एक्सपेक्ट नो डिस्ट्रैक्शंस बाय एनीवन टू एनीवन. Business basically represents the organized efforts by an individual or group of individuals. It can be the role play of one person who is taking all the decisions. It can be one person taking care of the activities by through the multiple persons, or it can be multiple persons carrying out the activity together. Ek banda sara kuch khud kar raha hai. That is also business. Ek banda kai logon ko appoint karke khud kaam kar raha hai. That is also business. Multiple लोग आके एक ही business कर रहे हैं, एक ही activity कर रहे हैं. That is also the part of business. And that's why it is said what? It is the work or organized efforts by an individual or group of individuals. It is a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward by way of profit. You have to produce the goods. You have to provide the services, either which way you can carry out your business activities. Produce the goods, the way selling tea, producing the goods and selling it. Or the Xerox wala person, he is selling the stationery there. So the stationery sell is also a business. He is not producing anything, but he is producing the place utility to that particular thing. Like, mujhe yahan pe book chahiye. Available kahan hai? Market mein. अब एक बुक के लिए मैं मार्केट तक तो जाऊंगा नहीं, तो वो बंदा क्या कर रहा है, मार्केट से जाके क्वांटिटी में गुड्स खरीद के आ रहा है और यहां पे एक एक करके प्रोडक्ट बेच रहा है. दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेस. या फिर एकत्व कैरिंग आउट द एक्टिविटीज इज ऑल्सो बिजनेस. इट सेटिस्फाइज द मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी. बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी का मतलब क्या, जरूरी थोड़ी कि हर बंदे की डिमांड एक तरह की होगी. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ डिमांड्स और नॉट. एवरी वन, एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन विल हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. लाइक आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मैं जब ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कोई बच्चा होता है क्लास में, उसका एक्सपेक्टेशन होता है यार मास्टर ने कंटेंट इतना कड़क पढ़ाना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर मैं पढ़ू या फिर किसी भी पॉइंट पर मेरे पास क्वेश्चन आए मैंने आंसर देना चाहिए. कोई बंदे का दिमाग होता है कि नहीं मेरे को ना पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ना चाहिए, मेरे को प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट को कैसे यूज करना है वो बताओ. किसी बंदे के दिमाग में आता है वो बाकी सब छोड़ो, मेरे को मजा चाहिए क्लास में. एवरीवन हैज गॉट देयर ओन रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशंस और नॉट. दिस इज टू कॉम्प्लेक्स. विल एवरी पर्सन बी एबल टू सेटिस्फाई एवरी ऑफ दीज नीड्स, क्वेश्चन. बट
there are multiple of the persons providing multiple kind of supplies or not? Like कपड़े वाला बंदा कपड़ा सप्लाई कर रहा है, प्लास्टिक वाला बंदा प्लास्टिक सप्लाई कर रहा है, वो इमिटेशन ज्वेलरी वाला बंदा इमिटेशन ज्वेलरी सप्लाई कर रहा है, वो मेडिकल वाला बंदा मेडिसिन सप्लाई कर रहा है. देयर आर मल्टीपल पीपल सप्लाइंग द मल्टीपल डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स और नॉट. या फिर यू हैव द ऑर्गेनाइजेशन लाइक एवेन्यू सुपर मार्ट डी मार्ट. भाई जरा पिक्चर में आना. मैं जिस व्यक्ति को डायल करने की कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कवरेज रहा है. बेटा तेरे नेटवर्क में बहुत ज्यादा खराबी है. नाम क्या तेरा? नाम क्या है? मैंने जब वीडियो लगाया था ना सबके लिए लगाया था, और वो भी क्यों हो तो मुझे कंसेप्ट सिखानी थी, इसलिए तू तो रील्स में घुस गया. हम मास्टर वीडियो देख रहा है, मैं भी वीडियो देखूंगा. हाँ भाई तने सोना बेच रहा है, तू क्या कर रहा है? तनेश क्या हो बेटा, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था? कोई अर्जेंट वीडियो आया था कि अभी देख के डिलीट करना था? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ना नेचर बहुत ही लीनियंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट सीरियसली उस दिन भी आपने ऑब्जर्व किया है. डू नॉट ट्राई टू टेक मी फॉर ग्रांटेड. बेटा मैं अगर सीरियस हो गया ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए. सब्जेक्ट तो उसी लेवल पे पढ़ाऊंगा, पर सब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाने की लेवल नहीं बदलने वाला हूं मैं, पर वो फिर सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा. फिर भूल जाना कि बाकी का नॉलेज मिलने वाला है या एडिशनल कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं, कुछ नहीं. फिर सिर्फ सब्जेक्ट, जितना पैसा दिया उतनी वसूली. एज सिंपल एज दैट फॉर मी. I can do that. Come to the class, read the text, explain in practicality what is the reality, what are the examples, go back. Why I have this as a behavior for teaching is basically I know when you have the fun learning, it creates more retaining, it creates more retrieval. और इसलिए मैं ये तरीका follow करता हूं. And I expect the sincerity from you people also. और मैंने जब शुरुआत की थी अभी जब पढ़ाने की, तभी मैंने कहा था now I need the complete attention. तब तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था. तो लाइन्स तुम घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो. आज वो जो समोसे वाली एड दिखाई मैंने तुमको, अगर मैंने अमेजॉन के साथ पे लिंक करके बता दिया तुमको, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट 100% एट एनी पॉइंट इन टाइम कि आखिर बिजनेस होता कैसे. व्हाई एम आई गिविंग यू द मल्टीपल एग्जांपल्स? बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन. थियरी सब्जेक्ट है यार, बकवास सब्जेक्ट है, सच में बहुत ज्यादा बकवास सब्जेक्ट है. तुम दो पन्ने कंटिन्यूस पढ़ो, मैं शर्त बांधता हूं तुमको नींद आए तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं. पर जब अगर उसी चीज को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से पढ़ेंगे, उसी चीज को अगर मजे के साथ पढ़ेंगे, तो वो याद भी रहेगा और सब्जेक्ट भी आगे बढ़ रहा है यार तुम्हारा. आई डोंट नो, लाइक येस योर एज इज डिफरेंट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली, बट स्टिल we have to understand where we are sitting, we have to understand what we are supposed to do, we have to understand how we are supposed to behave. kya hota hai na, momentum khatam ho jata hai. fir
वो एक अच्छा माहौल बना हुआ होता है पढ़ाई का, और वो सारा का सारा आपकी एक खुराफात की वजह से सारा खत्म हो जाता है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेस, रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, सेटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। यू आर कन्वर्टिंग वन रॉ मटीरियल इंटू समथिंग डिफरेंटली आइडेंटिफिएबल प्रोडक्ट, दैट इज वॉट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Or it may be agricultural product or finished goods produced in factories. Goods can be produced with manpower or with the help of machines. That is, for example, cultivating piece of land and growing food grains is an example of agricultural production. However, converting oil seeds into the edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of goods. So when something is carried out in the natural way, the natural things, those are called as production. But when there are some things which are man-made, which are artificial in nature, then in that case it is called as manufacturing. So whether it is the process of production, whether it is the process of manufacturing, in both the cases we will consider that as the part of business only. क्यों? वो farmer अपने plot of land पे कोई सब्जी उगा रहा है, कोई tomato उगा रहा है, कोई या फिर fruits उगा रहा है, कोई अगर ग्रेन्स उगा रहा है, कोई सीरियल्स पल्सेस उगा रहा है, फॉर व्हाट पर्पस? ही वांट्स टू सेल इट इन द मार्केट और नॉट? इफ अ फार्मर इज डूइंग द कल्टीवेशन इन हिज प्लॉट ऑफ लैंड फॉर हिज ओन पर्पस, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट ऑल। इफ आई एम हैविंग अ फार्म लैंड, in that farmland if I have put up some of the trees, if I am putting up some of the plants there for the purpose of reaping the vegetables out of that, for the purpose of getting the fruits out of that, in that case it is a non-economic activity at all because I am doing it for myself. पर अगर वही एक्टिविटी मैं कुछ गुड्स सेल करने के लिए, वो जो वेजिटेबल्स, वो जो फ्रूट्स आएंगे, वो मैंने मार्केट में बेचने हैं, उसके लिए कर रहा हूं, देन इन दैट केस इट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी कैटेगराइज्ड इनटू बिजनेस। सिमिलरली अब सपोज इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी लाइक पार्ले एग्रो लिमिटेड। पार्ले एग्रो लिमिटेड, सुना इस कंपनी का नाम? शायद से सर, पार्ले जी, दैट इज ऑफकोर्स वन ऑफ देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। दे हैव वन मोर फ्लैगशिप प्रोडक्ट दैट दे हैव, दैट इज मैंगो फ्रूटी, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्ले एग्रो लिमिटेड। अब ये पार्ले एग्रो लिमिटेड वो सड़े गले आम लेके आते हैं, हाँ वो फ्रूटी उसमें से ही बनती है, राइट? लास्ट स्टेज ऑफ राइपिंग मैंगोज, जिसका नेक्स्ट स्टेज सड़के खराब होना, उस स्टेज वाले मैंगो खरीद के ये मैंगो जूसेस बनते हैं। वो अगर फुल्ली राइपेंड मैंगो नहीं होगा तो उसमें से किसी भी तरह का फ्रेश मैंगो जूस नहीं बन सकता है, व्हाट दे वांट टू सेल, राइट? तो ये मार्केट से मैंगो खरीद रहे हैं, मैंगो खरीद के उसको प्रोसेस करके दे आर क्रिएटिंग द मैंगो जूस आउट ऑफ दैट। सो दे आर इन टू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। खरीदा क्या था? मैंगो। बेच क्या रहे हैं? जूस क्रिएटेड आउट ऑफ दैट और नॉट? या फिर इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दोज अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स, वाइन मैन्युफैक्चरर्स, दे आर परचेसिंग फ्रॉम द मार्केट द ग्रेप्स एंड दोज सड़ा गला ग्रेप्स आर देन फर्मेंटेड एंड कन्वर्टेड इन टू द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज वाइन, अल्कोहल, स्पिरिट्स और समथिंग लाइक दैट। तो इनके केस में लाइक इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुला, Sula Wines is one of the prominently known company into the vineyards. This company is purchasing grapes or producing grapes and that grapes is getting converted into the wines. Then in that case, they will be called as producers as well as manufacturers because they are producing their own grapes and they are converting those grapes into the wines and they are selling in the market as wines. So they are producers as well as manufacturers. If you take the example of company like Madura Garments, अच्छा छोड़ो Madura Garments, Pantaloons, Pantaloons की पप्पा कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड,
पेंटलून चलाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABFRL। इनको जो कपड़ा सप्लाई, कपड़े सप्लाई, मैन्युफैक्चर गारमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी मधुरा गारमेंट्स, दैट इज द पप्पा कंपनी ऑफ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। इनका काम क्या मधुरा गारमेंट का, दे आर इनटू कॉटन प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग दैट कॉटन इनटू थ्रेड, थ्रेड इनटू यार्न, यार्न इनटू क्लॉथ, क्लॉथ इनटू द गारमेंट्स, दैट इज देयर बिजनेस। सो अगेन मधुरा गारमेंट काइंड ऑफ कंपनी इज ऑल्सो प्रोड्यूसर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर, बट आदित्य बिरला इज जस्ट अ ट्रेडर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड अ ट्रेडर? ट्रेडर इज अ पर्सन हु इज बाइंग, कीपिंग, सेलिंग, दैट इज ट्रेडर। बट प्रोड्यूसर ने क्या किया था, नेचुरल प्रोडक्ट बनाए थे। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, नेचुरल प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ आईकिया, आईकिया तो जानते हो ना यार, आईकिया वो फर्नीचर की छोटी सी दुकान। हाँ सच में, तो अकेले फर्नीचर की दुकान घूमने में जिसमें 1.5 घंटा लगता है सिर्फ घूमने में, खरीदना अलग, खरीदना अलग। अगर खरीदने लग गया तो भैया दिन भर समझ के चलो, सीरियसली। मतलब मैं गया था, मैं हार्डली आधे घंटे में बाहर आया क्योंकि मेरा प्रोडक्ट फिक्स था। मैं वो बंदे को पूछ, और इतना खतरनाक डिजाइन बनाया है उन्होंने, ऑनेस्टली ये लोगों को मानना चाहिए। व्हाट इज देयर डिजाइन, डू यू नो दैट? एक बार आपने एंटर किया ना, तो जब तक वो पूरी दुकान तुम पूरी घूम के नहीं आओ गोल 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 गोल, तब तक तुमको बाहर ही नहीं निकलने देते। सीरियसली, दे डोंट हैव द ऑप्शंस। अब ये तो बात अलग थी कि मैं इनके शाम के टाइम पे गया था, बंद करने का टाइम था, तो मैं डायरेक्टली पूछा मेरा वाला प्रोडक्ट किधर है। आई हैड टू परचेज अ टेबल, वो वहां पे लगाया हुआ है उधर प्रेस्टीज पॉइंट में। ऐसा हम लोग बटन दबाते हैं तो टेबल ऊपर जाता है, बटन दबाते हैं तो टेबल नीचे आता है, वो काइंड ऑफ ऑटोमेटाइज्ड है। वो यहां के लिए भी सोचा था पर वो जगह नहीं एडजस्ट होती है। तो ये आइकिया काइंड ऑफ कंपनी इज वॉट, दे आर ओनली मैन्युफैक्चरर्स, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग वुड। Wood they are sourcing and they are producing furniture out of that or not? So they become the manufacturer as well as traders. क्यों? क्योंकि वो बेच भी रहे, रिटेल में भी बेच रहे हैं, और कुछ प्रोडक्ट उनके ऐसे होते हैं जो वो सोर्स करते हैं बाहर से, जो खुद के नहीं बनाते, एंड दे आर सेलिंग इट इन टू द मार्केट। सो बिजनेस विल इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, सर्विस। What Book My Show is doing? Book My Show का business model क्या है? You book the tickets online. इतना ही काम है? Book My Show इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। आपको अलग अलग events, cinemas, movies के tickets book करवा के देता है। That's it. Book My Show का वो theater के साथ में contract है। किस चीज का contract? भाई मैं तेरी ticket book करवा के देगा, तू मेरे को कितना पैसा देगा? There is a commission that they get from the theaters, and then they get the convenience fee from the customers. That is their revenue model. ऐसे उनको कमाई होती है। और if you take the example of companies like Make My Trip, Clear Trip or something like that, what their businesses are? Make My Trip क्या कर रहा है? Make My Trip online, वो अपन टिकट बुक करते हैं। पहले शुरुआत में जब ये आए थे सिर्फ फ्लाइट की टिकट बुक करते थे, पर अब फ्लाइट, होटल, बस, ट्रेन, तुम्हारे लिए टूर प्लान करके देंगे, तुम्हारे लिए कैब भी बुक करके देंगे, तुमको खाना भी बुक करके देंगे होटल में, इधर नहीं, हाँ वो स्विगी वाला करता है, ओ सॉरी, हाँ घर की कंपनी, जोमैटो। सो घर की कंपनी यार, ऐसे क्या करो तुम लोग? हाँ जोमैटो नहीं, जडे सिम ना, शी इज जोनल, जोनल सीनियर मैनेजर ना, क्या वो जोनल मैनेजर है? वो गोवा भी है, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? मैं वही सोच रहा था, एसएम सर के पास स्टॉक कम क्यों नहीं हो रहा है? तो आप गोवा का मतलब इनके पास स्टॉक कम होता है, अगर ऐश्वर्या जरा डब्बा खाली दिसते गए। एनीवेज, लेट इट बी, सरकाज़म अपार्ट।
तो कहानी ये है कि what these all organizations are doing, they are only providing the services. तो चाहे business हो, चाहे production हो, चाहे manufacture हो, चाहे trading हो, चाहे service हो, these all are categorized into the activity of business. Am I going good? Distribution includes marketing of goods and services. It involves transport, warehousing, advertising, which facilitates transfer of goods from the producer to the final consumer, which are also the part of business. Professor Haney has given the definition as what? Business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth. Ultimate interest kya hai? Baap bada na bhaiya, sabse bada rupaiya. Chahe employment ho, chahe बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, बनाना तो पैसा ही है ना, है ना? और पैसा बनाने का सबसे सही तरीका, बड़ा पैसा बनाने का सबसे सही तरीका इज बिजनेस. दैट्स व्हाई ही हैज गिवन द डेफिनेशंस व्हाट द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग वेल्थ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑफकोर्स ये हमको पता है, अगर इकोनॉमिक नहीं हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती तो पैसा इन्वॉल्व भी नहीं होता. इसलिए मैंने क्या कहा, मैं अगर मेरे फार्म लैंड पे वेजिटेबल ग्रो कर रहा हूं तो आई एम अ प्रोड्यूसर बट आई एम नॉट कैरिंग आउट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट इफ आई एम डूइंग इट एंड सेलिंग इट, देन इन दैट केस इट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बिजनेस विल ऑलवेज बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तुम गुड सप्लाई करोगे, उसके अगेंस्ट तुमको पैसा मिलेगा. तुम सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उसके अगेंस्ट तुमको पैसा मिलेगा. दैट्स व्हाई द बिजनेस विल ऑलवेज बी टर्म्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन और फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा. ये है तो बिजनेस नहीं आएगा. If you have got that love, affection, sentiment or connection etc., you cannot carry out that as a business. So business chalane ke liye sabse pehla exchange of money or money's worth becomes a mandatory aspect. Tanish, sahi hai kya? Paka? There are always two parties involved into that. Logical hai. Matlab aisa to hai nahi ki mereko mere goods achhe lag rahe hain, chalo ye jeb se paisa nikala, ye jeb mein paisa dala. There has to be exchange. And of course, if it is an exit, it has to change, na? So, moving on is the story of the date, you know. So, point is that whenever you are talking about a business, there has to be the involvement of two independent, separate parties. One will supply the goods. Another will pay the money or money is worth against that or not. One is supplying the services. Another is getting the money or money is worth against that. So it will always involve that exchange. But for that exchange, you need to have two separate independent parties. And that's why it is said that business will involve two parties. Every business transaction involves an exchange. Minimum two parties are required for exchange, that is seller and a buyer. The business transaction is a result of an agreement between the buyer and seller, which may be oral or written. जैसे अगर आपने ऑनलाइन कुछ परचेज किया तो यू हैव गॉट अ रिटन एग्रीमेंट. आपने ऑर्डर किया, उसका ट्रैक बनता है और ट्रैक के हिसाब से आपके पास गुड्स और सर्विसेज आती है. बट देयर कैन बी अ सिचुएशन, आपने ओरली ट्रांजेक्शन की, ओरली टू पीपल आर डीलिंग विद ईच अदर. इन दैट केस इट विल बी एन ओरल एग्रीमेंट. देयर कैन बी द रिटन एग्रीमेंट एज वेल. बट जब तक के दो पार्टीज इन्वॉल्व नहीं, तब तक बिजनेस नहीं हो सकता. इज इट राइट? प्रॉफिट मोटिव. तुम बिजनेस कर किस लिए रहे हो? पैसा कमाने के लिए. पैसा कैसे कमाओगे? 100 वाली चीज को 200 में बेच के, है ना? नहीं सर, 100 वाली चीज 200 में बेच के थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा. 100 वाली चीज 2000, भाई रहम कर, अपने को प्रॉफिट करना है. हाँ, नहीं तो मतलब ठीक है, अगर तुम्हें मामू बनाने की कैपेसिटी है तो यू कैन. 100 वाली चीज 2000 में बेचना कोई बड़ी बात नहीं. ऑनेस्टली तुमको एग्जांपल दिखाऊं लाइव? नहीं, जोमैटो कहां, कुछ भी, हर चीज में जोमैटो थोड़ी होता है यार. मतलब कमाल करते हो तुम लोग, अली बाबा.
हाँ भाई मत बेच, नहीं चाहिए तेरा प्रोडक्ट, कट। इफ यू टेक जस्ट एक एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कौन सा प्रोडक्ट ले सकता हूं मैं, चलो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इफ आई टेक से पावर बैंक्स, ठीक है, पावर बैंक में वैरायटी देखो इनके पास कितनी है, अपन वो छोटी सी डिबिया लेके घूमते हैं, तो ये तो पावर हाउस लेके आ रहा है पूरा, कितना 10,000 मेगाहर्ट्ज, हाँ पावर बैंक्स 20,000 मेगाहर्ट्ज फास्ट चार्जिंग, ठीक है, ये आ गया, कितना है $4.91, मतलब कितना हो रहा है 90 रुपए के हिसाब से भी पकड़े अगर एक्सचेंज रेट वगैरह सब कुछ करके, 9×5=45, 450 रुपए बराबर। हाँ अब हमारा प्यारा अपनी दुकान अमेज़न, कौन सा वाला था वो, हाँ हाँ पावर बैंक कौन सा वाला है मैडम, वो भी तो देखो 20,000 मेगाहर्ट्ज़, पावर बैंक 20,000 मेगाहर्ट्ज़, मामू बनाने की ताकत होनी चाहिए बंदे में, एसएम सर वाला वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं, पर ये फैक्ट है ना, दिस इज हाउ बिजनेस इज डन, आप जाके 10,000 बैटरीज एक साथ उठा के आओ और यहां पे अमेज़न पे लोड करवा दो, दे कॉल दैट एज FBA और समथिंग लाइक दैट, फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यू जस्ट सेंड इट टू देम एंड लेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बी सोल्ड बाय अमेज़न, रिस्क है, इट इज नॉट द केस कि तुमको प्रॉफिट मिल रहा है मतलब रिस्क नहीं इन्वॉल्व है, तुमने 10,000 बैटरीज उठवाई 450 रुपए का रेट, चलो हम लोग ट्रांसपोर्ट का 200 रुपए मानते हैं, 650 रुपए का रेट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट घर तक, 650 रुपए की बैटरी, 10,000 बैटरीज, मतलब आप 650,000 की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, आई एम सॉरी 65 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, पहला इन्वेस्टमेंट हुआ 65 लाख का, उसके बाद रिस्क किस चीज की, नहीं बिका तो आप तो ये सोच के ला रहे हो ना कि ये बिकेंगे 10,000 बैटरीज, नहीं बिके तो 10,000 बैटरीज है, ठीक है अमेज़न पे अगर अपने को 100, अपन क्या कैलकुलेशन करते हैं, 100 बैटरी तो आराम से निकलेगी, अमेज़न है पूरे देश में बिकने वाला है, ऑफ कोर्स दिस इज हाउ द पीपल थिंक, और सीरियसली अगर आपका प्रोडक्ट क्लिक हो जाता है, अगर आपके प्रोडक्ट को सीरियस डिमांड आ जाती है, 100 बैटरीज रोज की अपने पूरे देश में बिकना इज नॉट अ बिग डील, हमारे देश में सिर्फ सिटीज गिनो ना, सिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाउन्स एंड विलेजेस एटसेट्रा, देर आर 600 सिटीज, मतलब हर सिटी में से एक एक ऑर्डर भी अगर आ गया ना तो भी 600 ऑर्डर रोज के होते हैं, 600 ऑर्डर मतलब, और अगर ऐसे अगर तुमको सिर्फ 10 दिन तक के ऑर्डर मिले तो 6,000 बैटरीज तो ऐसे ही बिकने वाली है तुमको 10 दिन में, प्रोडक्ट क्लिक होना चाहिए, पर और 650 वाला प्रोडक्ट घर पहुंच डिलीवरी तक बिक कितने में रहा है अमेज़न पे 2,200 रुपए, 2,200 ब्रांडिंग घर का अपना ब्रांडिंग, व्हाट बोट इज डूइंग इज दिस, what boat is doing is this, what they did, they first created that brand in the market, sare ke sare product china se ban ke aa rahe hain, 400 rupaye 500 rupaye 600 rupaye maximum headphone jo aate hain wahan se ban ke aate hain, us pe yahan aane ke baad mein boat ka thappa lagta hai aur fir yahan bahate hain, boat hai na, to what is the daily sale of boat, समवेयर अराउंड 5,000 यूनिट्स पर डे, पर डे ऑल प्रोडक्ट्स पुट टुगेदर, 5,000 प्रोडक्ट्स पर डे, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट 1,50,000 यूनिट्स पर मंथ, यू आर टॉकिंग अबाउट 20 लाख प्रोडक्ट्स इन ईयर, अगर 20 लाख प्रोडक्ट पे ये कंपनी सिर्फ 500 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से कमा रही है तो 100 करोड़ साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना 100 करोड़, सर एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में भी तो इतना खर्चा आ रहा है ना, ऑब्वियस ही बात है,
मैंने 500 रुपया नेट प्रॉफिट की बात करी, क्योंकि बोट का कौन सा हेडफोन तुमको अब 1200 रुपए के नीचे मिलता है? 1200 वाला प्रोडक्ट मार्केट में से उधर से आ रहा है 200 रुपए 300 रुपए में। तो मैंने मंगवाए थे यार, वो जो आता है ना ये इधर ऐसा लगा के, वो जो कान ऊपर उतर, वो गले में वो वही वो कुत्ते का जरूर रहता है, वो मंगलसूत्र पहन के जो लोग घूमते रहते हैं पूरा टाइम, वो बंदा छुपा रहा है मेरा मत देखना मंगलसूत्र। तो लिटरली मतलब वो देखो ना बंदे को, लिटरली इट इज लाइक दैट, इट इज वो इधर वो दोन दोन वाटे असतात ते मंगलसूत्र ला, लिटरली इट इज लाइक दैट, पूरा टाइम बंदा गले में मंगलसूत्र लगाए घूमते रहता है, और जब फोन आता है हेलो तो उतार दिया तूने, अबे रिश्ते टूटते ऐसे मत कर। सो बंदा बोलता है मैं आज तक सोच रहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सीरियसली इफ यू ऑब्जर्व, चलो ठीक है अपन वो नेक बैंड देखते हैं, नेक बैंड ही बोलते हैं उसको, और फिर वो बोट वाला प्राइस चेक करेंगे अपन। हेडफोन्स, वायरलेस, नेक बैंड, वायरलेस नेक हेडफोन्स। अच्छा नेक हेडफोन्स कैसे होते हैं? कमाल है ये वाला प्रोडक्ट ना, ये सबसे ज्यादा चलता है ना, कितना? $7 ना, $7, 6.6 एक्चुअली हाईएस्ट प्राइस, अपन $7 पकड़ते हैं 90 रुपए के हिसाब से, 7 × 63 630 रुपया बराबर है। इस वाला क्वालिटी, ये वाला जो क्वालिटी है किस पे? बोट। चलो boatlifestyle.com, ये इसी तरह का था रॉकर्स, रॉकर्स इनकी बेसिक क्वालिटी हो गई, ये थोड़ा अलग है ना, ये वाला ये कौन से टाइप का होता है इनका? हाँ जी बोट के पास नहीं है ऐसा। नेक बैंड्स, रहेगा ऐसे कैसे? कौन सा? फर्स्ट वाला तो नहीं है ना बेटा, ये वाला नहीं, ये तो सिर्फ वायर है। चलो सिर्फ वायर ढूंढते अपन, छोड़ो सिर्फ वायर वाले ढूंढते हैं। सॉरी वैसे दिखा रहा है ये गंदा बच्चा। हाँ What is that? What happened? क्या हुआ? What is that? एक बार हुआ क्या मेरे को बताओ पहले। चाइनीज मैन्युफैक्चरर वो अबे मेरा लेक्चर जीपी सर का नहीं है नालायक हो सच में तुम लोग। इस तरह का प्रोडक्ट था, इस तरह का प्रोडक्ट था, ठीक है। If I come to that boat rockers again, ये इसी तरह का प्रोडक्ट है ना वो, इज अवेलेबल फॉर 1099 एंड द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हियर इज अवेलेबल एट $3 270 रुपए का प्रोडक्ट, 100 रुपए शिपिंग, 370 रुपए का प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है? 1100 रुपए में। और हम लोग तो स्मॉलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बोट डज नॉट बाय द स्मॉलर क्वांटिटी, इट बाइज द ह्यूज क्वांटिटी, लिटरली यही हो रहा है, यही फैक्टफुल सिचुएशन है।
और इसी तरह से बिजनेस हो रहे हैं. पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट अगेन, केबल्स, सिंपल बेसिक चार्जिंग केबल्स. इसमें भी मतलब मैं क्यों ये कंपैरिजंस आपके सामने रखे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टार्ट डूइंग द बिजनेस, यू हैव द स्कोप ऑफ डूइंग सम स्टार्टअप नाउ, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? एक, इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो बहुत बड़ी होती है. लाइक बोट काइंड ऑफ कंपनी, द कौन है मालक, कौन है, आनंद गुप्ता. दिस फेलो अमन गुप्ता, एक्चुअली आनंद गुप्ता ने, हाँ अमन गुप्ता. दिस फेलो हैज टेकन ए हेवी रिस्क एंड वो बंदे ने बहुत सारे लोगों को मामू बनाया, तब जाके वो माने. हिज कंपनी हैज गॉट द इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट, 500 करोड़ रुपीज. जो कंपनी में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होगा तो वो तो कहीं पे भी मार्केट में बिजनेस कर सकता है ना, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है. व्हाट ही डिड, ही आइडेंटिफाइड द डिमांड इन द मार्केट. ही आइडेंटिफाइड व्हाट इज द सस्टेनेंस ऑफ दैट डिमांड इन द मार्केट, कितने टाइम तक ये डिमांड सस्टेन कर सकती है, और उसके बाद में उसने उसके हिसाब से प्रोडक्ट कहां कहां मिल सकते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट डेवलप करवाए और फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचे. एंड दैट इज हाउ ही इज कैरिंग आउट द एक्टिविटीज. सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज बिजनेस. मैं ये कंपैरिजंस आपके सामने इसलिए नहीं रख रहा हूं, आई वांट टू जस्ट ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू कि यार ये तो बहुत चिल्लर सी चीज है, बिजनेस करना कौन सी बड़ी बात होगी. नहीं है, डू नॉट इमेजिन लाइक दैट. बट प्रॉफिट इज बेसिक मोटिव. जो भाई साहब कह रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दैट, एक पीस के पीछे मैं 100 रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पकड़ू, 300 रुपए का प्रोडक्ट घर में, 370 रुपए का, 100 रुपए मेरा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, 300 रुपए एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा किया मैंने, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, स्टिल 700 रुपए का. बिक कितने मेरा है, 1100 रुपए में, 400 रुपए प्रति यूनिट का प्रॉफिट. एंड दैट इज हाउ आई काउंटेड दैट 100 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट, नेट एवरीथिंग वगैरह, ऑल एक्सपेंसेस रिमूव फ्रॉम दैट, राइट. खैर, इस समय पे आपको ये सारी चीजें सुन के बड़ी अच्छी लगती हैं, पर कैसा है ना कि सुनना और उसको एग्जीक्यूट करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है. सिंपल सी बात है, अगर आपके पास आपका एक कस्टमर आ गया और उसने कहा कि नहीं यार तुमने जो प्रोडक्ट दिया वो गलत है, ये प्रोडक्ट तो मार्केट में 400 रुपए अवेलेबल, तुम 1100 रुपए में दे रहे हो, क्या डिफेंड करोगे उस टाइम पे, कितना, किस बेसिस पे क्वालिटी. वो बंदा कस्टमर, तो कस्टमर इज किंग ना. मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी का है, तुम्हारा क्वालिटी घटिया है, क्या बेसिस पे तुम क्वालिटी प्रूव करोगे. तुम क्या उसको बोलोगे नहीं तुम बजा के देखो, दोनों एक कान में वो बजाओ एक कान में वो बजाओ, देखो किसका वाला ज्यादा अच्छा बजता है हेडफोन. तो मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैं बाद में जब ये वर्ड डालता हूं तो तुमको हंसी क्यों आती है. ठीक है, प्रॉफिट इज द मोटिव. That I hope you understood. अगर profit motive नहीं रहेगा तो why will you get incentivized to do the business? अगर तुम charity करना चाहते हो तो charity खोलो ना, NGO खोलो, उसके लिए तुम business थोड़ी करने आओगे. Here we are talking about the real business. The basic purpose of business is to earn the profit from its activities. Businessmen try to maximize profits either by increasing the volume or सेल्स और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, दोनों में से एक ऑप्शन. या तो आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचो, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा तुम्हारा मल्टीप्लायर होगा, या फिर कॉस्ट इतनी कम रखवाओ कि अपने आप हेवी प्रॉफिट्स कमाओ. लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल, वो कपड़ों में ज़ारा, H&M is a kind of inferior brand as compared to Zara. ये Zara का तो खैर मैं कपड़े आज तक समझा ही नहीं मेरे को. Seriously, इतने इतने टुकड़े बेचते हैं, बंदा इसमें से ढके क्या? That is the basic thing. और इतना होने के बाद में भी प्राइस 2000 रुपए. भाई इस टुकड़े में लगा क्या है? तुमने इसके धागे में सोना यूज किया है? That kind of thing is what you call as Zara. या फिर जब Zara बेचने वाली कंपनी, H&M बेचने वाली कंपनी और Zudio वाली कंपनी is one and the same. तीनों का पप्पा कंपनी Trent Limited and Trent Limited की पप्पा कंपनी Tata Sons. तो तुमको पता है अकेले Zudio का टर्नओवर कितना है?
अकेला जूडियो, लीव दैट जारा वेस्ट साइड H&M असाइड, वेस्ट साइड इज ऑल्सो देयर ब्रांड, इन सबको साइड कर दो, अकेले जूडियो का टर्नओवर कितना साल का? सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए। भाई 200 रुपए में टी शर्ट बेच के 4,000 करोड़ बना लिए इन्होंने, 200 रुपए का टी शर्ट बेचते यार 199, पूरे 200 भी नहीं लेते, और वो लोग भी सेल लगा रहे। मेरे को तो डाउट होता है यार, मतलब तुम पहले से प्रोडक्ट इतने सस्ते बेचते हो, उसमें भी सेल, जो 500 वाला प्रोडक्ट है आप तुमको 300 में मिलेगा, जो 300 वाला प्रोडक्ट है आप तुम्हें 250 में मिलेगा, 150 रुपए में मिलेगा। वेब लिटरली ठीक है कि आईफोन ने एंड्रॉइड के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, वो है ना एक मीम आया हुआ ना आईफोन और एंड्रॉइड का, कि हमारे फोन में 2000 मेगाहर्ट्ज का मेगापिक्सल का कैमरा, 4000 दिया 4000, हमारे कैमरे हमारे पास दो का तीन चार 16 कैमरे, कितने चाहिए बोलो, दिए हमारे मोबाइल में एक सिम, 2 4 15 दिए हमारा मोबाइल 25 में आता है 15,000 25 नहीं, हमारा मोबाइल 1.5 लाख में आता है, 1.5 लाख 50,000 दैट इज हाउ द कंपैरिजन इज। अब टाटाज ऑन वन साइड आर सेलिंग वेस्ट साइड, टाटाज ऑन द सेम साइड, अब जारा के लिए वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग एजेंट, मार्केटिंग कोलैबोरेशन है उनका, प्रोडक्शन जारा और H&M का खुद का होता है, दे मार्केट इट हियर, जैसे वैन यूजेन, एलन सोलिफ, लुई फिलिप, यहां पे अलग है, यहां पे आदित्य बिरला का डायरेक्ट कोलैबोरेशन है फॉर मैन्युफैक्चर एज वेल, एलन सोली, वैन यूजेन, पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, दीज आर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय मधुरा गारमेंट्स, दैट इज आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, यही प्रोड्यूस होता है, यही बिकता है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है पर कोलैबोरेशन इंडिया का है। और कपड़े के केस में पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर प्रोडक्ट बिक रहा होगा कपड़ा, तो वो सिर्फ 4 मेजर स्टेट, 4 मेजर कंट्रीज से जाता है, दैट इज इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम, ये द 4 कंट्रीज विच आर सप्लाइंग द मैक्सिमम ऑफ क्लोदिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें से मेजर स्टेक इज ऑफ इंडिया एंड चाइना। वेल, थोड़ा ज्यादा ही जानकारी हो रही है अब, सो यू हैव टू मेक दैट प्रॉफिट। अब वही मैं जारा का एग्जांपल क्यों दे रहा था, प्रोडक्ट कितने का उनका, 300 रुपए का, 200 रुपए का, बिक कितने में रहा है, 2,000-2,500 रुपए, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दैट ब्रांड इमेज इन द मार्केट, फिर भी लोग खरीदते हैं ना। या फिर अगर आप वो मेंस वेयर में अगर देख लो, मेंस वेयर में कपड़े में अगर आप ऑब्जर्व करो कि लुई फिलिप का शर्ट विल बी अवेलेबल एट बेयर मिनिमम 3,000, या लिवाइस का जींस विल बी अवेलेबल बेयर मिनिमम 3,500 रुपए, क्यों भाई, उसमें तुमने अलग टाइप के बटन लगाए कि उसकी चेन अपने आप चलती है। तो कहानी ये है, Why? Because they have created that brand image called as Levi's. उसका एक खतरनाक कॉम्पिटिटर आया था, किलर जीन्स, एक खतरनाक कॉम्पिटिटर था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट गॉट सबसाइडेड। Why? Because they could not spend the money. KKNL is the company which is producing that killer jeans. आज भी उस कंपनी का टर्नओवर लगभग 6,000-7,000 करोड़ रुपए साल का है, but as compared to Levi's they are not able to compete. Why? Levi's is able to sell a product at 3,000-3,500, whereas killer jeans is sold at 1,000-1,500. product similar hai, dono ke product quality dekhoge to it's almost same. kyun? kapda banane wali company dono ke liye same hai, chahe killer jeans ko supply ho raha hai chahe Levi's ko supply ho raha hai, dono ko supply karne wala kapda kaun? Arvind Mill aur Bhaskar Mills और रेमंड, दीज आर द 3 कंपनीज विच आर सप्लाइंग द क्लॉथ ऑल ओवर द कंट्री। अगर क्लॉथ सप्लाई करने वाली कंपनी सेम है तो दोनों के प्रोडक्ट की कॉस्ट भी लगभग सेम होनी चाहिए, और अगर दोनों के प्रोडक्ट की कॉस्ट लगभग सेम है तो इसका मतलब उनकी सेलिंग प्राइस भी सिमिलर होनी चाहिए। नहीं, पर वाई दे आर एबल टू सेल द प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस एंड दीज आर एबल टू सेल एट द लोअर प्राइस इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड इमेज।
तो किलर जैसी कंपनी क्या करती है, वो अपने कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है. लिवाइज जैसी कंपनी क्या करती है, वो अपने प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश करती है. दे डोंट फोकस ऑन द कॉस्ट, दे फोकस ऑन द प्राइस. तो आइदर एवरी वन इज फोकसिंग ऑन वन थिंग एंड दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, दैट आई शुड बी अर्निंग मेजर प्रॉफिट आउट ऑफ माई सेल्स. देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इज द कोर पार्ट ऑफ बिजनेस. प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डीलिंग इन टू गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, बट आई हैव टू टॉक अबाउट इट इन दैट लेंथ, विच आई विल बी डूइंग इन माई नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. दैट्स इट. थैंक यू. बाय बाय.